नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूआत पर। अनंतनाग में कंप्यूटर खानगी कैंप का इनेकार। राजौरी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर जारी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हादीपुरा नए कैंपस में मुंतकिल। मुरन पुलवामा में तिबी इमदादी मरकज ज़ेर तामीर। गवर्नमेंट बॉयज पहाड़ी हॉस्टल पुंछ में तलबा के लिए मयारी सहूलियात। हिंदुस्तानी फौज वादी कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुख्तलिफ नौवियत के प्रोग्राम मुनक्किद करती है। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में नौजवानों के लिए एक कंप्यूटर खानगी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में ज़िले के 64 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक खते फ्लास से नीचे गुजर बसर करने वाले खानदानों से था। कोर्स मुकम्मल होने पर तलबा को असनाद से भी नवाजा गया। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज ने एक मर्तबा अपना मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए तारीफें हासिल की। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी फौज ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नौजवानों के लिए एक कंप्यूटर खानदगी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने इल्म में कंप्यूटर तालीम का इजाफा किया। जो हमें यह सब दावना का कोर्स मिला है, हम इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है आर्मी के, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया है। जैसे कि मतलब कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो एफोर्ड नहीं कर पाता था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें एक मंथ का कोर्स मिला है करने के लिए। जो हमें कंप्यूटर का स्टार्ट बटन तक नहीं पता था कि कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑफ कहाँ से होता है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम आज MS Word, MS Excel बेझिझक कर सकते हैं। इसे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म, कोई भी कार्ड वगैरह ना हो, वो हमें अच्छे से आता है। हमें मतलब फ्यूचर में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस कंप्यूटर खानदगी कैंप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के तावुन से IT अनंतनाग में किया गया। ये कदम न सिर्फ तलबा के लिए कुछ नया सीखने में बहुत बड़ी मदद है, बल्कि ये उनके करियर के इख्तियारात को तलाश करने का एक मौका भी है। तलबा ने कैंप को यकसां तौर पर सराहा, जो कैंप को मिलने वाले तलबा के जोश खरोश से साफ नजर आ रहा था। ये जो सद्भावना स्कीम इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुई, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। हमें कंप्यूटर सीखने को मिला, बेसिक कंप्यूटर सीखने को मिला, क्योंकि हम इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं, हमें कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। हमने यहाँ पे अच्छी तरह कंप्यूटर चलाना सीखा। अगर हम बाहर कंप्यूटर करने जाते तो हमें वहाँ पे पड़ता, हमें 2000-3000 देने पड़ते, मगर हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अच्छी तरह सीखा कंप्यूटर। हम थैंक यू करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को और अपने इंस्टीट्यूट को। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी की एक खातून जिम्मेदार स्नेहा ने कहा कि इस कैंप के लिए 64 तलबा को मुंतखब किया गया, जो खत इफलास से नीचे गुजर बसर करने वाले घरानों से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना था कि जब तलबा को इस कैंप के लिए मुंतखब किया गया, उन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई इल्मियत नहीं थी। उनका ये भी कहना था कि एक माह तक जारी रहने वाले इस तरबियती कैंप के दौरान तलबा को कंप्यूटर की बुनियादी तालीम दी गई है और कोर्स के इख्तिताम पर तलबा के इम्तहानात भी लिए गए। We have this back to village program as B2B4. We have identified a list of more than 4,000 unemployed youth from district Anantnag, and by phase we are conducting different kind of training program for these students. Through ITA we have conducted a B plumber, electrician, data entry operator, and we are conducting more like advanced level of courses such as drone technician, four wheeler, and so we are trying to do as much as possible from the part of district skill committee, and the ITA is the institute which is coordinating for all of this. तरबियती कैंप के इख्तिताम पर कामयाब तलबा में सनदें तकसीम की गईं। तलबा ने फौज के इकदाम को सराहा और कंप्यूटर खानदगी कैंप के इनाकात पर शुक्रिया अदा किया।
इस इकदाम से कश्मीरी नौजवानों को अपने मुस्तकबिल को महफूज करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, क्योंकि असर हाजिर में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना वक्त की अहम जरूरत है। जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने मरकज के जेर इंतजाम सभी 20 अजला में सेहत के बुनियादी ढांचे की तौसी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है, जिसके तहत तिबी मराकज और अस्पताल तामीर किए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत पीर पंचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक नए अस्पताल की तामीर की जा रही है। 4 मंजिला नई इमारत में हर तरह की मयारी तिबी सहूलियात बहम रहेंगी। पेश इस बारे में यह खसूस रिपोर्ट। पीर पांचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में सेहत के बुनियादी ढांचे पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया ने खास तवज्जो मरकूज की हुई है। इस सिलसिले में नौशहरा राजौरी में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सब जिला अस्पताल की नई इमारत जेर तामीर है। 4 मंजिला नई इमारत करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की जा रही है, जिसका काम बहुत जल्द मुकम्मल करने की उम्मीद है। हमारा हॉस्पिटल जो है 100 बेडेड का जो बन रहा है, ये अच्छा बिल्डिंग बन रही है। इसमें सभी तरह की जो सहूलियत जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। इसको अभी थोड़ा अभी पहले टेंडर हुआ, इसका एक महीना पहले टेंडर हुआ, 1.5 महीना उसके बाद इसका काम जो है जोर शोर से चल रहा है। शायद ये 1-2 महीने तक ये तैयार भी हो जाएगा। सब जिला अस्पताल नौशहरा राजौरी पर मरीजों का काफी दबाव है, ताहम अस्पताल की पुरानी इमारत में जगह की कमी को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के फुकदान को दूर करने के लिए अब 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला नई इमारत तामीर की जा रही है। इस अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात दस्तियाब रहेंगी और मरीजों को मयारी तिबी सहूलियात फराहम होंगी। मकामी लोगों ने हुकूमती इकदाम की सराहना की। साढ़े ग्राम बिच कोई हॉस्पिटल नहीं सी, पहले सड़कों की व्यवस्था नहीं सी है, तो हुण साढ़े कोल बड़ा वड्डा अस्पताल बन गया है। उम्मीद है कि थोड़े चिर तक थोड़े अरसे तक तैयार हो जाएगा, ऐसा लोगों की अच्छी सहूलत मिल जाएगी। सब जिला अस्पताल नौशहरा राजौरी की नई इमारत नेशनल हाईवे रोड के साथ की जा रही है। हुकाम का कहना है कि इस अस्पताल की तामीर मुकम्मल होने से नौशहरा राजौरी का पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा, जबकि हंगामी नौयत की तिब्बी इमदाद 24 घंटे बहम रहेगी। हुकाम का कहना है कि अस्पताल में तौसी से तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी भी दूर हो जाएगी। इसका नौशहरा टाउन और इसके सराउंडिंग एरिया में तकरीबन 50 से 70 लाख की पॉपुलेशन है जो इससे जिनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्टाफ तो है डॉक्टर का लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ये कंप्लीट होने के बाद लोगों को सहूलत पूरी मिलेगी इसकी। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने सेहत और तालीम के शोबजात के बुनियादी ढांचे को वसत देने के लिए कई मंसूबे मुरतब किए हैं, जिनमें से एक मंसूबे के तहत नौशहरा राजौरी में नए सब अस्पताल की तामीर की जा रही है। इंतजामिया के इस इकदाम की हर सतह पर सराहना की जा रही है। शोबे तालीम के बुनियादी ढांचे की तौसी के जामे मंसूबे के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हादीपुरा को सोपोर रफियाबाद के नए कैंपस में मुंतकिल किया गया, जहां जेर तालीम 255 तलबा को मयारी तालीमी सहूलियात जदीद तर्ज पर दस्तियाब है। तलबा ने इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और कहा कि इस इकदाम से उन्हें मुस्तकबिल की पढ़ाई हासिल करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि आला तालीम हासिल करके मुस्तकबिल संवारने का मौका भी मिलेगा। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने शोबा तालीम के बुनियादी ढांचे को वसत देने के मकसद के तहत एक जामिया मंसूबा तरतीब दिया है। इस मंसूबे के तहत वादी कश्मीर में डिग्री कॉलेजों के बुनियादी ढांचे की तौसी की जा रही है, ताकि तलबा को मयारी तालीमी सहूलियात बहम रह सकें। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हारीपोरा को सोपोर रफियाबाद के नए कैंपस में मुंतकिल किया गया। तलबा ने कहा कि हारीपोरा में उन्हें माकूल और मुनासिब तालीमी सहूलियात दस्तियाब नहीं थीं, जबकि यहां अच्छा बुनियादी ढांचा मौजूद है।
मैं गवर्नमेंट से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये बिल्डिंग तैयार की, खासकर रफी आबाद में, क्योंकि हमें बारामूला जाना पड़ता था, सोपोर जाना पड़ता था, ट्रैफिक जाम की वजह से हम टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच सकते। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट से। अगर हम पुराने कॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें फैसिलिटीज नहीं थे अवेलेबल, जैसे कि क्लासरूम्स थे वहाँ पे नहीं थे, वॉशरूम्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, वहाँ पे कुछ भी हमें मैसर नहीं थी। अगर हम इस न्यू कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ईच एंड एवरी थिंग्स अवेलेबल हियर, यहाँ पे हमें हर कोई चीज अवेलेबल है, जैसे कि खासकर क्लासरूम्स, यहाँ पे हमें ओपन फील्ड क्लासरूम्स है, स्टोर भी अच्छे हैं। हरिपुरा में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर ही वाहिद मसल्ला नहीं था जिसका तालबे इल्मों को सामना करना पड़ता था, बल्कि कॉलेज दूर होने की वजह से भी तलबा को मुस्तकबिल की पढ़ाई हासिल करने में दुश्वारियों का सामना था। अब हरिपुरा डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया गया और इस कॉलेज की नई दो मंजिला वसीउल अरीज इमारत सोपोर रफियाबाद में तामीर की गई है। नया कॉलेज कैंपस फराहम होने पर तलबा में काफी जोश व खरोश पाया जा रहा है और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, मतलब हमारे लोकल टीम में उन्होंने एक कॉलेज दिया है जीडीसी हरिपुरा, ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का हमारे लिए, क्योंकि हमें बारामूला जाना पड़ता था सोपोर हंदवाड़ा, तो एक दो किलोमीटर की लोकलिटी में उन्होंने एक ऐसा कॉलेज दिया जहाँ पर हमें सारी फैसिलिटियाँ इस वक्त मौजूद हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से। हरिपुरा के नए कॉलेज कैंपस में तामीरी काम भी जारी है ताकि तलबा को हर तरह की सहूलियात बहम रह सकें। यहां खेल के मैदान को हमवार किया जा रहा है, जबकि कॉलेज कैंपस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए भी इकदामात उठाए जा रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि कॉलेज में 255 तलबा जेर तालीम है, जबकि इस साल से कॉलेज में साइंस मजमून भी पढ़ाया जाएगा। ये रूरल एरिया है, आप जानते हैं गांव, सिर्फ यहाँ गांव है, कोई सिटी या टाउन यहाँ बीच में नहीं है, तो ये लोग बहुत खुश हैं। ये उनको बारामूला जाना पड़ता था, सोपोर जाना पड़ता था, हंदवाड़ा जाना पड़ता था, तो क्यों ना खुश होंगे जब उनके घर के हैं नज़दीक या उनके गांव में कॉलेज आया, तो दे आर वेरी हैप्पी, दे शुड बी थैंकफुल टू, और वो भी हैं गवर्नमेंट के भी, और सो फॉर हायर एजुकेशन इज कंसर्न उसके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। आला मियारी इमारत, कुतुबखाना और हर तरह की दीगर बुनियादी तालीमी सहूलियात फराहम होने से कॉलेज में तलबा के इंदिराज या दाखिले में इजाफा होगा। तलबा ने इस इकदाम की खूब सराहना की और नई व बेहतर कॉलेज कैंपस के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में शहर के बुनियादी ढांचे को मजीद वसत देने के लिए मुरन गांव में जदीद खतूत पर इस्तवार एक तिबी इमदादी मरकज तामीर किया जा रहा है। महकमा देही तरक्की 51 लाख की लागत से ये तिबी इमदादी मरकज तामीर कर रहा है और ये अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। इस तिबी मरकज से न सिर्फ मुरन गांव के लोग बल्कि आस पास के कई देहात की आबादी भी मुस्तफीद होगी। इस जमन में पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के कई इलाकों में सेहत की सहूलियात को अपग्रेड कर रही है। इस सिलसिले में पुलवामा के मुरन गांव में जदीद खतूत पर उस्तवार एक तिब्बी इमदादी मरकज तामीर किया जा रहा है। इस तिब्बी मरकज पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें सेहत सहूलियात के हवाले से मुश्किलात दरपेश थीं, जो इस तिब्बी मरकज की तामीर से दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ऑफ जेएनके ने उठाया है, इससे बहुत ही हमको फायदा होने वाला है। इससे पहले हमको बहुत ही दूर जाना पड़ता था, ना कि हमको बल्कि आसपास जो गांव है हमारे यहाँ मुंसिल है, हमारे गांव इस मुरन के साथ, ये मेन गांव है हमारा मुरन, इसके आसपास जो गांव है उनको भी बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, जिससे उनको 7-8-10 श्रीनगर जाना पड़ता था, 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पुलवामा जाना पड़ता था, जो हमको बहुत ही दूर पड़ता था। महकमा देही तरक्की 51 लाख की लागत से ये तिब्बी इमदादी मरकज तामीर कर रहा है और ये अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। इससे कबल इन देहातों को तिब्बी देखभाल की सहूलियात की कमी की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपने मरीजों को पुलवामा के जिला अस्पताल या श्रीनगर मुंतकिल करना पड़ता था। उनका कहना था कि
इस तिबी इमदादी मरकज से न सिर्फ मुरन गांव मुस्तफीद होगा बल्कि आसपास के देहात के लोग भी मुस्तफीद हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आवामों के लिए। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसलिए हम गवर्नमेंट से खुश हैं कि इन्होंने हमें ये मेडिकल एड सेंटर यहाँ पे दिया है। हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजारी करते हैं कि इन्होंने हमें दिया है ये मेडिकल एड सेंटर। महकमा दीही तरक्की के हुक्काम ने बताया कि जिला पुलवामा में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मुरन पुलवामा में तिब्बी इमदादी सेंटर है। उनका कहना था कि इस सेंटर के क्याम से मुरन गांव और इसके आसपास के देहात को बरवक्त तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचेगी। इसका जो प्रोजेक्ट कास्ट है वो 51 लाख है। ये इंशाल्लाह अगले साल में मुकम्मल होगा। इस साल भी इसका मेजर पोर्शन 75% काम होगा मुकम्मल, क्योंकि फंड्स जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है वो 75% है। और इंशाल्लाह आइंदा साल में ये पूरी तरह से हम हेल्थ डिपार्टमेंट को हम हैंडओवर करेंगे। ये तो इससे ये जो एक तो मरन का इलाका है, दूसरा जो ये बाकी इसके मलहिक इलाके हैं इसके साथ साथ है, वो भी मुस्तफीद हो जाएंगे। इस तिबी इमदादी मरकज की तामीर जम्मू कश्मीर के इंतजामिया की तरफ से लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए नए इकदामात में ताजा तरीन इजाफा है। तिबी इमदादी मरकज, ECG, ब्लड शुगर टेस्ट जैसी बुनियादी और हंगामी तिबी खदमात फराहम करेगा। गवर्नमेंट बॉयज पहाड़ी हॉस्टल पुंछ में मयारी सहूलियात को यकीनी बनाने से यहां रिहाइश पजीर पहाड़ी तबके के तुलबा को पढ़ाई हासिल करने और मुस्तकबिल को संवारने का बेहतरीन मौका फराहम हो रहा है। हॉस्टल में खेलकूद के लिए बेहतरीन मैदानी सहूलियत के अलावा सेहतमंद गिजा भी दी जा रही है। यहां जेर तालीम तुलबा का कहना है कि हॉस्टल में मयारी सहूलियात फराहम होने से उनकी जिंदगी संवर रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इंतजामिया ने समाज के कमजोर पहाड़ी तबके के बच्चों की फलाह बहबूद और उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए गवर्नमेंट बॉयज पहाड़ी हॉस्टल पुंछ में मयारी सहूलियात को यकीनी बनाया है। इस हॉस्टल में पहाड़ी तबके से वाबस्ता तलबा को क़याम व ताम के लिए आला मयारी सहूलियात फराहम की जा रही है, ताकि ये तलबा भी आगे बढ़कर कामयाबी से हम आहंग हो सकें। यहाँ पे हम बेसिकली हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे रहने का अच्छा माहौल है, खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे पढ़ाई, तो स्टडी के रिलेटेड सब कुछ हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और हम पढ़ते भी अच्छे तरीके से हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ से कई सारे स्टूडेंट जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर गए हैं पढ़ के। तो मैं थैंक्स अ लॉट कहना चाहता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट को, जो हमें अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ देती है यहाँ पे खेलने की, खाने की, और अच्छा स्टाफ मिला हुआ है हमें। इंशाल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी तरह से बिहेव करते हैं हमारे साथ। पहाड़ी बच्चों की सहूलियत के लिए कायम किया गया ये हॉस्टल कई ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पहाड़ी तबके से वाबस्ता दर्जन तलबा रिहाइश पजीर हैं, जो मुस्तकबिल की पढ़ाई बआसानी हासिल कर रहे हैं। हॉस्टल में जहाँ तलबा को रहने और पढ़ने के लिए बेहतरीन रिहाइश सहूलियात दस्तियाब हैं, वहीं उन्हें साफ शफाफ और भरपूर गिजा भी फराहम की जाती है। हमें जो इधर पहाड़ी हॉस्टल में रहते हैं और हमें खान पीन वगैरह सब कुछ सब अच्छा देते हैं, और रहने की भी जगह भी बहुत है। हमें एक रूम देते हैं जो जिसमें 4 बच्चे रहते हैं, हम वहाँ पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। और हमें इधर खेलने की जगह भी, खेलने वाले सब जो खिलाते हैं गेम वो भी साथ में खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी वगैरह बैट सभी खेलते हैं। तो हमें जो सुबह शाम जो है खाना बहुत अच्छा मिलता है, और हम यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि वो हमें हर चीज़ जो दे रहे हैं। और छोटे से सभी जो बच्चे हैं वो यही करना चाहते हैं कि हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और इंशाल्लाह कि हम बहुत सी दूर जाके अपनी जो नई की जिंदगी शुरुआत करेंगे। ये हॉस्टल एक वसी अराजी पर तामीर किया गया है,
यहाँ गैर निसाबी सरगर्मियों यानी खेल कूद के लिए भी सहूलियत दस्तियाब है। तलबा जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए हॉस्टल के लाजवाब माहौल में सेहतमंद सरगर्मियाँ भी अंजाम दे रहे हैं और बहम सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। नाज़रीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा यह शुमारा कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय हमें bedaltamanzarkashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।